Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस मर्तबा मुझे मेरी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्रमोशन होगी और जरूर होगी। मुझे प्रिंसिपल ने फोन किया और फोन करके क्या कहा कि बच्चे ऐसे चोरी नहीं करते, जरूर घर में कोई मसला है। अगर नहीं, नहीं अंकल ने नहीं, अंकल अगर चोरी अगर 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 अच्छा बुबू ये बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? मैं फादर बनूंगा बीबी का बड़ा होकर। यस फादर। पर आप तो अभी भी बीबी के फादर हो। नो अभी तो बाबा जी हमारे फादर है ना। बाबा जी सर दाढ़ी वाले बाबा जी दाढ़ी वाले। तो बाबा आपके भी फादर हैं और बीबी के भी? हाँ यस मेरे भी फादर हैं और बीबी जी के भी फादर। और बीबी को तो फेरी दे के गई थी ना। हूर हूर का भी तो शौक होता है ना भाई लोगों को। वो फेरी आई थी ना, हमने हमने पैसे भी दिए थे फेरी को, वाली फेरी पैसे। आपने बीबी को खरीदा था? नो नो वो फेरी देखी गई थी, बाय नहीं किया हमने। नो नो फेरी देखी गई थी ना। इसकी ड्रामेबाजी खत्म नहीं होगी मैडम। अंकल आई एम सॉरी। बीबी आप ही की बेटी है ना? पकड़ा गया लड़का। मैं बीबी जी को मिल्क पिला दूं? नो पिला दो। थैंक यू। पिला दो भाई, बीबी कह रही है तो पिलाना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा बुबू ये बताओ आपकी सबसे बड़ी विश क्या है? मेरी विश है कि बीबी ना सबसे ज्यादा जीनियस हो। यस जीनियस सबसे ज्यादा। हाँ यस। पर आप तो अल्लामिया के घर जाना चाहते हो। हाँ यस अल्लामिया के पास जाना ना, वो मेरे मामा बाबा है ना, वो अल्लामिया के पास चले गए, हम भी जाएंगे। वो आपको अकेले छोड़ के चले गए? हाँ यस अलोन अकेले छोड़ के चले गए। वो पहले भी आपको अकेले छोड़ के गए? हाँ पहले छोड़ गए थे, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था ना, स्मॉल किड, स्मॉल वेरी स्मॉल किड। और फिर वो वापस आ गए थे? हाँ यस वो वापस आ गए थे। ऐसी बातें कर रहा है मैडम ये, अल्लाह मियाँ के पास जाने वाला भी कभी कोई वापस आता है क्या? नॉनसेंस। अच्छा बुबू ये बताओ वो कैसे गए थे अल्लाह मियाँ के घर? वो बाबा ने ना मुझे नैनी के पास छोड़ दिया था और घर पे ना बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हाँ यस और वाइट वाला ड्रेस पहना था बाबा जी ने। यस वाइट वाला ड्रेस पहना था। सफेद कपड़ा, कफन की बात कर रहा है सर ये? वो व्हाइट वाला ड्रेस था ना उसका उसका शोल्डर ना वो फट गया था। फटना ही था, धमाके के बाद क्या होता है, चीथड़े उड़ जाते हैं लोग। हाँ यस और सब लोग बहुत हैप्पी थे। हाँ यस किसी के जाने पर कोई कैसे खुश हो सकता है भला? जन्नत में जो जा रहे थे इसलिए खुश थे। और ना उन्होंने पासपोर्ट बैग और सब कुछ पैक किया था वो लोग, फिर चले गए थे। अच्छा बुबू ये बताओ आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? सर ये वाला मासूम अंकल से। वो कौन? वो बताओ बुबू
नहीं बताऊंगा। कौन है वो, पूछ रही है कुछ तुमसे, कौन है वो? प्लीज बता दो। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हम जा रहे हैं, बैठ जा आराम से। अच्छा ये बताओ, कभी एक्टिंग की है? एक्टिंग ये तो कर रहा है, ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है मैडम ये। हाँ यार, स्कूल में ना एक टैब्लो में बहुत सारी एक्टिंग की थी मैंने, और मैंने और चमचम है ना मेरा दोस्त फ्रेंड, हम दोनों ने एक्टिंग की थी, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ। ये बताओ, चोर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं रोड पे, कैसा लगता है? तो वो जो लोग मस्जिद में जाते हैं वो आपको कैसे लगता है? वो तो गुड लोग होते हैं ना। हाँ यस, गुड लोग होते हैं, क्योंकि ना वो लोग जो मानते हैं अल्लाह में मानते हैं। यस हाँ यस, लेके जाओ उसे, उठा उसे, लेके जाओ, चल लेके जाओ उसे, चल भाई बस, चल उठ, बहुत हो गया बेबी। और बेबी को दे मुझे। नो नो नो, बेबी नहीं, बेबी को मुझे दे। नो नो, बाहर जाके सब कुछ कर लेना ना, ले लेना उससे बेबी, दे देगा वो तुझे, लेके जाओ उसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब। सर बस मुझे ये कहना था कि अगर केस मुकम्मल हो गया तो कुछ उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएं। ज़ुबैर साहब, तफ्तीश चल रही है और जैसे ही मुकम्मल होगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। सर एक ऑडियो बाइट ही दे दें प्लीज। ज़ुबैर साहब, मैंने आपसे कहा तफ्तीश चल रही है, जैसे ही कम्प्लीट होगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। ठीक है सर, फिर जैसे ही ये डन होता है आप न्यूज़ हमारे चैनल के थ्रू ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ओके जी, चलता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। यासिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? जी क्या ख्याल है आपका? बच्चा मेंटली अनस्टेबल है, मुझे लगता है उसमें ऑटिज्म की टेंडेंसीज है। जी, उसकी हरकतों से, उसकी बातों से लगता है उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर सही नहीं। सही नहीं तो और कैसे सही होगा, उसका दिमाग पूरी तरह से और सही तरह से काम कर रहा है, हर बात का सही सही वो जवाब देता है, जहां उसे लगता है कि वो अपनी टीम या अपने बारे में बताने लगता है वो चुप हो जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हमसे कुछ छुपा रहा है। देखिए मैं अपना डायग्नोसिस दे चुकी हूँ, आपको जो करना है आप करिए। और मेरा तजुर्बा कहता है कि वो पागल नहीं है। किसने रख दिया आपको इस जॉब पे? पर्ची भी आई है, आप देख नहीं सकती, आप अंधी है, जोर से जाइएगा आप, जैसे कैसे लोग आ जाते हैं काम करने। तुझे चलाएंगे, फिर तू बताएगा, फिर जबान खोलेगा तू। अंकल मैं प्रॉमिस तंग नहीं करूंगा, अंकल नहीं करूंगा। हाँ प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तो तू कुछ भी नहीं करेगा बेटा। अंकल दर्द होगा ना, नहीं करे प्लीज। अंकल अंकल प्लीज, सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा मैं। अंकल दर्द हो रहा है, प्रॉमिस। अंकल मैं तंग नहीं करूंगा, प्रॉमिस। हाँ अंकल दर्द हो रहा है ना। हमें कंफर्म हो गया है कि तू मुजरिम है, सब कुछ सक्सेस बता दो। तो बताएगा या नहीं बताएगा? अंकल सॉरी सॉरी, ओके सॉरी। सॉरी यानी कि तू नहीं बता रहा? सॉरी सॉरी। चुरी चुरी लेकर आओ। नो 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 अंकल, नो नो अंकल, नहीं अंकल, सॉरी 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 अंकल, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा अंकल, नेक्स्ट टाइम नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ हाँ प्लीज अंकल, नो 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 नो, प्लीज प्लीज अंकल, इसको खोल देना, तू कॉल देना। बताएगा कि नहीं बताएगा?
अरे मुनीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। भाभी यासिर है घर पर? यासिर तो पुलिस स्टेशन में होंगे ना जी। हाँ मैं गया था मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था। खैर डोंट वरी, मैं देख लेता हूँ, आगे पीछे कहीं होगा, देख लेता हूँ उसको। क्या सर, ये तफ्तीशी कमरे की रिकॉर्डिंग है, शायद इससे हमें कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। Once upon a time, there was a boom. A boom, a pink panther, one. घूमने जाए। आपने सुने हैं बाबा जी? No, no, no. ना आपने? आपने सुना? अच्छा बात सुने। अंकल दो तीन घंटे रह गए सुबह होने में, थोड़ा सा आराम कर ले। वैसे भी दिन कितने मुश्किल है रोजों की। बस थोड़ी देर में सो रहा हूँ। वैसे एक बात बताएं, आप होते कहाँ हैं आजकल? वो आपके दोस्त हैं ना डीएसपी साहब, वो भी आपका पूछते हुए घर आए थे। किन सोचों में घूमे, आपसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब ही नहीं दे रहे। बस जो कुछ मांगे वो केस में मसरूफ था मैं, इसलिए नहीं मिल सका उस समय। लमिया को बोले ना प्लीज उसे बुला ले आपके पास। मैं खाना भी नहीं खाया है अभी तक, दो दो कुछ भी नहीं खाया। ये लड़का कौन है जी? मामा जी, मामा जी मुझे बहुत दहशतगर्द है, और बच्चों की तरह हरकतें करता है। प्लीज बच्चों की तरह हरकतें करता है या बच्चा है? मामा जी बच्चा नहीं है, दहशतगर्द है ये, जिसने किसी बहुत बड़े दहशतगर्दी के नेटवर्क से ट्रेनिंग ली है। अगर इसने इंफॉर्मेशन सही तरह से बता दी ना मुझे, तो बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आएगी और फिर मेरी प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा भाई, ये तो कितना अच्छा बोलता है,
मुझे तो किसी अच्छे घर का लगता है। अरे कोई अच्छे घर का नहीं है, दहशतगर्द है ये, ट्रेंड दहशतगर्द। वैसे काश वलीद भी किसी अच्छी स्कूल में पढ़ता, उसकी भी इंग्लिश कितनी अच्छी होती ना। मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। मेरे ख्वाब तो बस ख्वाब ही रह जाएंगे, करिए अपना काम। हाँ अकरम, तुमने मुझे अपनी कजन का बताया था। मैं कल उससे मिलना चाहता हूँ। पर तुम छोड़ो ना सारी बातों को, बस जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनो। साहब से अच्छी अच्छी बातें करना, मतलब ज्यादा सवालात नहीं पूछना, साहब इरिटेट हो जाएंगे और साहब का मूड खराब नहीं करना। अच्छा, और तुम्हें पता है कि रोजे चल रहे हैं, साहब का भी रोजा है मेरा भी रोजा है, तो कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे मामला खराब हो। और हाँ एक बात और, साहब से फीस नहीं मांगनी है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं अकरम भाई, डन है, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है ना, तुम बस ये कहना कि दहशत कर दे। जी काम की बात कर लें। सही है, आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? इसी तरह बात करता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई गलत बात की मैंने, मेरी मर्जी भाई। सिर्फ इतना ही आपसे कहना कि काम की बात करें तो काम की बात करें। आपका नाम? यासिर शाह। आपकी वालदा का नाम? क्यों, मुस्तकबिल मेरा बताना है या मेरी वालदा का बताना है आपने? सर ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपका मुस्तकबिल बताने के लिए ही, तो आप प्लीज बताएंगे? जमीला बेगम। ठीक है, आपकी तारीख पैदाइश? 14 अप्रैल 1980। सर आप सुबह के वक्त पैदा हुए थे या शाम के? ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं सुबह के वक्त पैदा हुआ था या शाम के वक्त पैदा हुआ था। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर। यार ये कौन आदमी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुझे ही मार देगा। मैंने तुमसे कहा था तुम अजीब अजीब सवालात में पूछो, तुम इतने सारे सवालात पूछ रही हो सर से। लेकिन बोलूं क्या भाई सर से? सिर्फ ये बोलूं जो लड़का उन्होंने पकड़ा हुआ है वो लड़का दहशतगर्द है, उसकी जो बेटी है ना छोटी वो भी दहशतगर्द है, उसके वालदेन भी दहशतगर्द है, और तो और उनका एक बहुत बड़े दहशतगर्दों के नेटवर्क के साथ ताल्लुक है। कौन लड़का? तुम बस ये कहना कि दहशतगर्द। जी बताइए क्या लिखा है मेरे मुस्तकबिल में। जी वो आपके सितारे ये कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन अब कोई नहीं रोक सकता। और क्या लिखा है? वो आपने कोई लड़का गिरफ्तार किया है या करने वाले हैं? नहीं नहीं हमने अभी भी गिरफ्तार किया है। जी जी वो लड़का, उसकी वालदा, उसके वालिद साहब, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी, वो सब दहशतगर्द हैं। I knew it. I'm sorry. और सिर्फ ये ही नहीं, उनका दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से ताल्लुक है। आपकी फीस? नहीं सर आपसे फीस नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, ना मैं किसी का हक मारता हूँ और ना ही किसी को अपना हक मारने देता। ये प्लीज रखिए आपकी फीस, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जल्दी आओ। यस सर। बता दे मुझे, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा तुझे कोई पहचान भी नहीं सकेगा।
अंकल अंकल आप लोग बहुत तंग कर तंग कर बोल सच्चन बोल और अदाकारी कर ले बाबू थोड़ी और अदाकारी कर मैं घर दिलवाऊंगा तुझे मैं घर दिलवाऊंगा तुझे मैं नहीं बनेगा नहीं बनेगा अपनी टिकट बाबू नहीं बनेगा अपनी टिकट तू नहीं बोल रहा बोल 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 बता बता सच बता बोल नियाजी लेकर आ ले आ आज इसका पाप भी बोलेगा ले आ अंकल ये क्या इससे तुझे जलाएंगे फिर तू बताएगा फिर जबान खोलेगा तू बता अंकल रुको मेरे साथ अंकल 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 साहब लगता है लाइट चली गई कुछ नहीं कहना बस यासिर मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इन्वॉल्व रखो मुझे बताते रहो कि तुम कर क्या रहे हो मगर तुम्हें तो प्रमोशन की पड़ी हुई थी अपनी जी सर उसे एडमिट कर लिया है और हम बहुत जल्द उसे आवाम के सामने लाएंगे ये सर बिल्कुल श्योर ओके थैंक यू यस सर ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने तुम कब केस सबके सामने लाओगे सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं चाह रहा हूं इस केस को अच्छी तरह से फाइनल करके फिर मीडिया के सामने लाऊं कुछ भी करो इस केस को जल्द अज जल्द सबके सामने लाओ तुम्हारी वजह से हम और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते यस सर Hey,
एक हफ्ते पहले डीएसपी मुनीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े वादे किए थे कि वो बहुत जल्द दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े रैकेट को अवाम के सामने लाएंगे, लेकिन अब वो खामोश हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि कोई दहशतगर्द वाकई गिरफ्तार हुए भी थे या महज ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। Keep watching, we'll be right back after a short break. मैडम, सर मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। व्हाट डू यू मीन समझ में नहीं आ रहा? क्या 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 कहना चाहते हो? बहुत बड़ी गलती होगी सर मुझसे। या सर मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इन्वॉल्व रखो, मुझे बताते रहो कि तुम कर क्या रहे हो, मगर तुम्हें तो प्रमोशन की पड़ी हुई थी अपनी और अब कह रहे हो गलती हो गई। सर कुछ कीजिए ना मेरे लिए, अब आप ही कुछ मेरी मदद करें। नो आसिफ, प्लीज डोंट नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। ये रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है यासिर साहब, ये गंदी आप ही साफ करेंगे। आपके सितारे ये कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन आपका कोई नहीं है। कहने को तो हम कौम के मुहाफिज हैं, कौम के मुहाफिज, मगर एक आम शहरी, मगर एक आम शहरी हमसे खौफ खाता है। बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाली है। तंग आ गई हूँ मैं, तंग आ गई, रोज रोज सुन के ना मेरा दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब, नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज़ से। अबू देखे ना मेरी गाड़ी के तीन टायर टूट गए हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे रिमोट वाली गाड़ी दिलाएंगे। कि बच्चे ऐसे चोरी नहीं करते, चोरी नहीं करते, जरूर घर में कोई मसला है। मैंने ना वो ईद के लिए कपड़े ऑर्डर कर दिए। मुझे पैसे तो अगले महीने मिलेंगे ना? अगले महीने मिलेंगे। हाँ तो कपड़े भी अगले महीने आएंगे, ऐसी कौन सी आफत आई हुई है। तंग आ गई हूं, आपका प्रमोशन ही आपका कोई नहीं, रोज रोज सुन के ना मेरा दिमाग खराब होता है, नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज़ से। आपका प्रमोशन ही आपका कोई नहीं, पापा। हाँ बेटा। पापा नींद नहीं आ रही मुझे। सो जाओ बेटा, आ जाएगी, सो जाओ।
जी क्या ख्याल है आपका? बच्चा मेंटली अनस्टेबल है, मुझे लगता है उसमें ऑटिज्म की टेंडेंसीज है। जी उसकी हरकतों से उसकी बातों से लगता है उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। ये लड़का कौन है जी? दहशतगर्द है और बच्चों की तरह हरकतें करता है। बच्चों की तरह हरकतें करता है या बच्चा है? शनाख्त को नहीं बता रहा कुछ, क्या गुजर रही है? बाकी इतना मासूम है या जानबूझ के कर रहे? तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे बता दे के तू कौन है। तो मेरे सामने तो बड़े बड़े मुजरिम बोल पड़े, तू किस मिट्टी का बना हुआ है? अंकल आप लोग बहुत मारते मुझे, बहुत मार रहे आप लोग, बहुत मार, आप लोग बहुत बैड अंकल है, बहुत बैड अंकल। मैंने तो कुछ भी नहीं किया अंकल, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह मियाँ के पास जाना है, मेरे मामा बाबा के पास जाना है। अगर आप लोग मुझे ना आप लोग व्हाइट वाला ड्रेस दे दो मुझे, व्हाइट वाला ड्रेस पहना दो मुझे। व्हाइट वाला ड्रेस पहना दो, मुझे अल्लाह भैया के पास भेज दे प्लीज। अल्लाह भैया इनको बोले ना मुझे आपके पास भेज दे प्लीज, मुझे अल्लाह भैया के पास जाना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मामा बाबा के पास जाना। सुलूक किया मैंने उस बच्चे, प्रमोशन की लालच में अंधा हो गया था मैं, मुझे माफ कर दे अल्लाह, उससे बड़ा जुल्म हो गया था। बेशक तू बड़ा गफूर रहीम, माफ करने वाला, सहम करने वाला। मैं एक ईमानदार अफसर हूं, मैंने हमेशा अपने आप को बेजा जुल्म और हराम से दूर रखा। मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझसे बहुत जुल्म हो गया। बबू यकीनन बेगुनाह है और उसे ट्रैप करके उसे बॉम्ब दिया गया। मुझे यह भी मालूम है कि अगर उसके बस में होता तो हमें असली मुजरिमों तक पहुंचा देता, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं। मेरा इनिशियल डायग्नोसिस भी यही था,
जी मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत प्रेशराइज्ड किया आपको, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता था मैं आपसे। जी कहिए। हमने बोबू को रिलीज तो कर दिया, लेकिन उसकी ज़हनी हालत और कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई भी उसकी इस हालत का फायदा उठा सकता है। उसको किसी जिम्मेदार इदारे का सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है, साथ में एक बच्ची भी है। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी सूरत में दारुल अमान या यतीम खाना ही ऑप्शन रहता है, जो दोनों बूबों के लिए सूटेबल नहीं है। वैसे भी हमारे मुल्क में ज़हनी माजूरी पर काम करने वाले इदारे बहुत कम हैं। तो इस सिलसिले में आप हमारी क्या मदद कर सकती? Give me a few days. ये एक स्पेशल केस है, साथ एक बच्ची भी है, थोड़ा वक्त लगेगा इंतजाम करने में। चले मुझे इजाजत दीजिए, मैं बताती हूँ आपको। थैंक यू। सर आप कहें तो मैं किसी सेफ हाउस में इंतजाम करवा दूं बूबू के लिए। नहीं सर, लड़का बड़ी तकलीफ से गुजरा है, उसे घर की तवज्जो की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। यू आर राइट सर, मैं उसे अपने घर ले जाता, लेकिन सर आप कहें तो मैं बूबू और बीबी को अपने घर पे ले जाऊं, जब तक मिस शफक कोई इंतजाम नहीं कर देती। थैंक यू सर, थैंक यू। पापी जी, भाईजान ने तुझा प्यार कर लिया। और बीबी को और हम सबको अपने पास बुला ले। आमीन। और कहिए नहीं, हम नहीं जाना, हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसको तुम जेलस हो रहे हो? सल्लू कभी किसी से जेलस नहीं होता। वैसे है तो बड़ा हैंडसम, और दिमाग की कमी तो वैसे ही बहुत पाई जाती है आजकल मर्दों में।